ए लेवल केमिस्ट्री के ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ही अरसे तो नहीं, अब तो खैर 1990 की बात है, ये एलिमेंट इजाद हुआ था और पी यू प्लूटोनियम के अंदर एक एलिमेंट मिलाया था एक रशियन साइंटिस्ट ने, जिसके नतीजे में ये तीन न्यूट्रॉन भी आए थे। आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो एक्स है ये कौन सा एलिमेंट होगा। यार बड़ी आसान प्रयोग है, यहाँ देखो इसका नंबर कितना है 140। न्यूट्रॉन का तो कोई नंबर ही नहीं होता, सिर्फ मास होता है। इसका कितना है 94। 114 में से 94 माइनस करो तो कितना आता भाई 20। 20 किसका नंबर होता है, कैल्शियम का आंसर कैल्शियम हो जाएगा। यह पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा स्पेशी है जिसके इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होंगे। देखिए बेरिलियम की बात करें तो इसमें चार प्रोटॉन होते हैं, जब कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी चार्ज होंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 9 - 4 = 5 धोर फेंटे होंगे। यहाँ देखें 11 प्रोटॉन है, प्लस 1 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा 10 हो जाएगा, 13 - 11 न्यूट्रॉन 12 धोर फेंटे होंगे। यहाँ देखें 9 नंबर है तो 9 प्रोटॉन है, कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी ना होंगे, न्यूट्रॉन 9 - 9 = 10 धुर फिट्टे हुए। जब सब धुर फिट्टे हुए तो यही होगा, लेकिन चले देख लेते हैं। 8 प्रोटॉन होते हैं, -2 होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा हैं, 8 और 2 = 10। 18 और 8 में कितने का फर्क होता है 10 का, तो 10 न्यूट्रॉन। क्या पूछा था वो स्पेशली बताएं जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इक्वल हैं। ए लेवल की केमिस्ट्री फिजिक्स से अच्छे खासे सवाल आते हैं एमकेटी गेट में, और जितने खतरनाक है मैं सारे आपको करा रहा हूँ, ताकि कर लें। थैंक्स।